Hey guys and what's up? So आज हम बात करने वाले हैं about 10 things you should never Google. And this is the strict warning. अगर तुम्हें कभी भी मतलब horrifying, scary या फिर terrifying कुछ भी ऐसी creepy चीज़ें नहीं देखनी है या फिर उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना है, so this is the perfect time. तुम ये वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि अभी मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, भले ही तुम इन चीज़ों के बारे में गूगल ना करो और सिर्फ मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो जो भी मैं तुम्हें बताऊँगा, हो सकता है कि सिर्फ सुनने से ही तुम्हारी रात की नींदें उड़ जाए और तुम्हें नाइटमेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि भाई जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है. सो या अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. भाई आप जा सकते हो प्लीज़, बाद में मुझे गालियाँ मत देना कमेंट सेक्शन में कि भाई ये तुमने क्या बता दिया. ठीक है, ओके. सो जाने वाले जा चुके हैं, अब यहाँ पे जितने भी है तुम सबको ये वीडियो देखनी है. सो आई होप कि तुम्हारी आज की रात अच्छी जाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ब्रायन पेपर्स. सो ब्रायन पेपर की एक फ़ोटो थी जो कि 2005 में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी. मतलब वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि उस पर बहुत सारे मीम्स बन रहे थे, उसके पेजेस बन चुके थे, बहुत सारे फैन पेजेस नहीं कहूँगा बट नॉर्मल पेजेस बन चुके थे एंड वट नॉट. एंड द रीज़न बिहाइंड हिज वायरल पिक्चर वॉज हिज फेस. सो एज आई टोल्ड यू कि वो एक सेक्स ऑफेंडर था और जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस स्टेशन में नॉर्मली फोटोज क्लिक करी जाती है क्रिमिनल्स की, और उसकी भी एक नॉर्मल फोटो क्लिक करी गई थी जो कि जब पुलिस ने अपलोड करी तो वो वायरल हो चुकी थी, क्योंकि जो वो पिक्चर थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा क्रीपी थी और लोगों को लग रहा था कि ये बस एक एडिटेड पिक है जो कि पुलिस हमारे साथ प्रैंक कर रही है, और मतलब बस इसी वजह से वो वायरल हो चुकी थी. और लेटली हमें पता चलता है कि वो पिक्चर बिल्कुल एडिटेड नहीं थी, वो एक असली रियल पिक्चर थी. और उसका फेस ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ही वॉज गोइंग थ्रू अ डिसीज, इधर दैट वॉज एन एपर सिंड्रम और क्रोजन सिंड्रम. क्या था वो अभी तक मतलब पता नहीं चला है, बस इन दो में से कोई तो एक था. आई होप कि मैंने प्रोनाउंस सही किया. अब आता है जिगर्स. सो जिगर्स इज अ पैरासाइट फ्ली जो कि क्या करते हैं कि तुम्हारी स्किन पे अटैक करते हैं, मोस्टली हैंड्स और फीट पे करते हैं. सो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये तुम्हारी स्किन के अंदर एंटर करेंगे और ये वहीं रहेंगे, वो उसको अपना घर बना लेंगे. आफ्टर सम टाइम्स वो अपने अंडे देना चालू कर देंगे तुम्हारी स्किन के अंदर. तुम्हारी स्किन के अंदर सिर्फ एक नहीं, उसके पूरे बच्चे रह रहे होंगे कुछ टाइम बाद. आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक इंसान की स्किन में कीड़े रह रहे हैं और उसके पूरे बच्चे रह रहे हैं जो कि चल रहे हैं. आई मीन लिटरली लोगों को फील होता है कि उनकी स्किन के अंदर कुछ चल रहा है, तो जो भी वो चल रहे होते हैं वो होते हैं जिगर्स. और उनकी वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. और अब जिगर्स क्या करते हैं, वो स्किन को खाने लगते हैं. कीड़ों को तुम कहीं पर भी रखोगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ भी खाने लग जाएंगे. तो वो अब स्किन में रह रहे हैं और वो तुम्हारी स्किन खाने लग गए हैं. और वो जो पिक्चर्स है, जो जिगर्स तुम अगर सर्च करोगे तुम्हें जो पिक्चर्स दिखेंगी, ट्रस्ट मी दैट इज़ सो डिस्गस्टिंग भाई, नहीं देखना चाहोगे तुम. इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं दिखा रहा वो. स्टिल इफ़ यू वांट टू लुक एट दैट भाई जाओ और गूगल करो, आराम से करो. माउथ लार्वा. सेम जैसे अभी मैंने तुम्हें जिगर्स बताया, जिगर्स स्किन में रहते थे, माउथ लार्वा में कीड़े मुँह में रह रहे होते हैं, लाइक इनसाइड योर माउथ वो रह रहे होते हैं. जिगर्स की तरह सेम है, बट these are some disease or these are some like pictures that you never want to know, you never want to look, tum nahi janna chahoge aur please mat janna. so mouse larva ko main bahut small context mein batata hu ki ha jiggers type hi hota hai, bas muh mein ho raha hota hai, theek hai. so ab aata hai pain olympics. aur pain olympics mein kya hota hai, ye ek online competition hota hai jisme logo ne bahut sare rewards, bahut sare prize rakhe hote hai jo ki money hota hai. to इसे पाने के लिए लोगों को अपने आप को पेन देनी पड़ती है. उन्हें अपने आप को जितना ज़्यादा पेन देंगे उतना ज़्यादा उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा. और ट्रस्ट मी, इसमें इतने साइको लोग आए होते हैं भाई, इतने साइको, वो अपना कुछ भी काट रहे होते हैं, वो अपने कान, नाक, हाथ, फिंगर्स, बस उसे सीधा कट कर रहे हैं. मतलब सोचो कोई अपनी फिंगर्स काट रहा है और उसकी पूरी वीडियो बना रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा वो देखने में. इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने तो वहाँ पर अपने टेस्टिकल्स काटे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने ऐसी ऐसी ब्रूटल चीज़ें करी हुई है सिर्फ वो रिवॉर्ड पाने के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते. आई मीन बहुत साइको लोग आते हैं यार यहाँ पर और बहुत अजीब अजीब सी वीडियो बनाते हैं. सो आई नो तुम ये चीज़ें नहीं देखना चाहोगे, कोई भी अपने आप को किसी को भी काटता हुआ क्यों ही देखेगा भाई जी. सो या प्लीज़ नेवर गूगल पेन ओलंपिक्स. सो अब आता है क्लॉक स्पाइडर. देखो मैं वो बंदा हूँ भाई जिसे स्पाइडर, कॉकरोच, इन दो चीज़ों से खासकर बहुत ज़्यादा डर लगता है. मतलब मैं उनसे ना एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ. हम दोनों के बीच बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी वो टेरिटरी है, मेरी ये टेरिटरी है, ना मैं तुम्हारी टेरिटरी में आऊँगा ना तुम मेरी टेरिटरी में आना. एंड आई नो कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इतने छोटे से स्पाइडर को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बस दूर ही रखते हैं वहाँ से, मतलब जहाँ पर भी होगा वहाँ से दूर ही रहेंगे इतने से स्पाइडर को देख कर. और सोचो अगर वो स्पाइडर इतने से हटकर इतना बड़ा हो,
तो कैसा होगा, मतलब हम इतने से देख के हमारी फट जाती है, तो भाई इतना बड़ा जो स्पाइडर होगा उसे देख के क्या होगा। सो क्लॉक स्पाइडर एक वो स्पाइडर है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और मतलब वो इतना बड़ा होता है कि तुम्हारे घर में क्लॉक लटकी होगी उस क्लॉक जितना वो स्पाइडर होगा, अब तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है क्लॉक स्पाइडर। ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर बाइट। सो अभी हम स्पाइडर की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हम सब तो भैया स्पाइडर से दूर रहते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ यू नो बहादुरी दिखाने के लिए जाते हैं, स्पाइडर को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और बोलते हैं देखा कुछ नहीं होता इससे, ले तू भी छू, होते हैं ना ऐसे। बस ये वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि जो ब्राउन स्पाइडर होता है अगर वो तुम्हें काट दे तो ट्रस्ट में भाई तुमने सोचा नहीं होगा तुम्हें ऐसे ऐसे इन्फेक्शन होंगे। उसे काटने से पहले धीरे से हल्का सा ब्लैक सा निशान आएगा तुम्हारे पास, जो कि धीरे धीरे फैलेगा, और वो इतना गंदा और इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा एक टाइम बाद कि तुमने सोची नहीं होगी। वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि तुम्हारी स्किन में लिटरली गड्ढा हो जाता है सिर्फ उसके काटने से। और ट्रस्ट मी, ये चीज़ ना तुम देखना चाहोगे ना तुम सुनना चाहोगे। तो या अगर तुम स्पाइडर से दूर रहते हो भाई प्लीज़ रहो, और जो नहीं रहते बहादुर लोग उन्हें भी बोलो भाई प्लीज़ रहो दूर, ये सब चीज़ें मत करो। क्रोकोडिल ड्रग्स। सो एज वी ऑल नो भाई ड्रग्स कितने ज़्यादा बुरे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, हम सबको पता है। मतलब तुम ड्रग्स लोगे तो पहले तुम एडिक्टेड हो जाओगे, तुम ड्रग्स खाओगे और थोड़ी देर बाद ड्रग्स तुम्हें खा जाएगा, राइट। बट इन ड्रग्स में भी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि तुम्हें सिर्फ खाते नहीं है बल्कि तुम्हें टॉर्चर करते हैं, तुम्हें तड़पाते और फिर तुम्हें मारते हैं। उनमें से एक है क्रोकोडिल ड्रग। सो क्रोकोडिल ड्रग ऐसा ड्रग है जिसे लेते ही 2-3 मिनट में वो अपना इफेक्ट दिखाना चालू कर देता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल ड्रग से। मतलब एक मॉर्फिन जो ड्रग है उसके मुकाबले क्रोकोडिल ड्रग 15 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। सो तुम सोच सकते हो जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो हार्म भी उतना ज़्यादा करेगा, उसके इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। सो क्रोकोडिल ड्रग जब तुम लेते हो उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि थोड़े दिन बाद तुम्हारी स्किन तुम्हारे हाथ से निकलना चालू हो जाती है। तुम्हारी स्किन इतनी ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है कि लिटरली वो टपक रही होती है नीचे, मतलब वो स्किन गिर रही है नीचे और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस पेन सहोगे, तुम बस पेन देखोगे, बट कोई तुम कुछ नहीं कर सकते यार। एक बार स्किन नीचे गिर जाएगी क्या ही करोगे सोचो। तुम्हारी हड्डियाँ दिख रही होती है, जब स्किन नीचे चले जाती है तुम्हारे अंदर का सब कुछ दिख रहा होता है, एंड यू आर स्टिल अलाइव ऑब्वियसली, तो तुम मतलब भाई। सो या ये ऐसा ड्रग है जो लेते वक्त सब लेते हैं लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। It's been coming into the United States from Russia. It's growing in popularity across the country. The drug is known as Crocodile because after the high the skin rots and takes on a scaly green appearance. The images are horrific. People with missing and rotting flesh, in some cases down to the bone. It's from a horrible drug called Crocodile. Okay, so अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा extreme होने वाला है, तो मतलब killing विलिंग को लेकर है, तो अगर तुम्हें नहीं सुनना तो please तुम अभी भी जा सकते हो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा extreme है। So अब आता है 3 guys 1 hammer. सो आज तक मैंने बहुत ब्रूटल टाइप की चीज़ें देखी है, मतलब मैं तुम्हें नहीं बता सकता मैंने क्या क्या देखा है, बीहेडिंग से लेकर सुसाइड, भाई बहुत कुछ देखा है। बट ये एक वीडियो थी जो देख के मतलब भाई मेरे दिमाग ख़राब हो गया, मतलब मैं अगर टॉप नहीं तो टॉप 3 वीडियोज़ में इसे रखूँगा अपनी जो भी मैंने आज तक देखा है, उनमें से एक ये है जो कि मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी देखने के लिए। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी कुछ साल पहले, और इस वीडियो में क्या देखने को मिलता है कि 2 लड़के एक आदमी को मार रहे हैं हैमर से, और मार रहे हैं सिर्फ ऐसे नहीं, उसके फेस पे बार बार अटैक कर रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं, बहुत जोर से कर रहे हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज वो आदमी जिंदा है, मतलब ही वॉज अलाइव जबकि उसे 2 बंदे मारे जा रहे हैं, उसके सर पे मार रहे हैं, उसके चेहरे पे मार रहे हैं हैमर से, पूरा वो खून खून हो चुका है लेकिन जिंदा है, वो सांस ले रहा है। भाई ये देख के इतना ज़्यादा माइंड फक हो जाता है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मत देखो, मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने क्यों देखा है सीरियसली। और सबसे गंदी बात यह है कि वो उसे जब मारते हैं वो आते हैं गाड़ी के अंदर अपना हैमर रखते हैं धोकर, और वो अपने हाथ मुंह धो रहे होते हैं जैसे कि मतलब वो क्रिकेट खेल के बाहर से आते हैं ना बच्चे और फिर हाथ मुंह धोते हैं, वैसे वो बंदे को मार कर आए हैं, बंदा वहां पड़ा हुआ है सांस ले रहा है, वो आए हैं वो गाड़ी में अपना हैमर रख के भाई हाथ मुंह धो के मस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गाड़ी लेके चले गए। इतना ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ उनके लिए कैसे नॉर्मल हो सकती है मुझे समझ नहीं आता, मतलब बंदों का देख के जी घबरा जाए, उनके रिएक्शंस देख के तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें पता लगेगा कि दुनिया में किस टाइप के लोग रहते हैं। एंड ट्रस्ट में तुम्हें ये सब पता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, तुम बहुत अच्छे से रह रहे हो, प्लीज़ रहो मत देखो ये सब चीज़ें। बैकडोर जोल टू और गोल टू, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट भाई ये एक रेडिट पेज है, मतलब एक सब रेडिट है
जो कि तुम्हें कभी विजिट नहीं करना चाहिए। सो एक्चुअली क्या सीन था कि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया अभी थ्री गाइज वन हैमर, तो मुझे ये वीडियो देखनी थी और ये वीडियो मैंने बहुत सर्च करी, मुझे कहीं नहीं मिली। एंडिंग में मैं एक रेडिट के एक पेज पर आया जहाँ पर मुझे वो वीडियो देखने को मिली, बट जैसे ही मैं उस पेज में गया मेरे को इस जैसी बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ देखने को मिली है। सो अगर तुम्हें नहीं पता रेडिट क्या चीज़ है तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। रेडिट होता है, उसमें लोग आते हैं, उसमें अपने अपने सब रेडिट्स बनाते हैं, मतलब समझ लो अपने अपने पेजेस बनाते हैं जिसमें वो कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि सिर्फ होस्ट पोस्ट नहीं कर सकता, उसमें पूरी ऑडियंस पोस्ट कर सकती है। तो मतलब मैंने एक पेज बनाया उसमें तुम सब आए हो तो तुम सब भी पोस्ट कर सकते हो। तो रेडिट में यही सब चलता है और रेडिट में रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम है, तो वहाँ पर ऐसी ब्रूटल चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और उनमें से ये एक पेज है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। इसमें इतनी ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें पोस्ट करी गई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब लिटरली तुम अगर यहाँ पे जाओगे तो भाई तुम चार दिन तक नहीं सो सकते यहाँ पे अगर तुमने दो वीडियोस देख ली तो। इतना गंदा पेज है ये, आई वॉन्ट से गंदा बट इतना ज़्यादा क्रीपी और स्केरी पेज है ये। सो या प्लीज़ मत जाना भाई, प्लीज़ मत जाना। मुझे पता है तुम सब जाओगे अब देखने, बट प्लीज़ मत जाना। और एंड में आती है टब गर्ल। भाई टब गर्ल बहुत पहले वायरल हुई थी और ये एक वो चीज़ है, मतलब मैंने जितना भी तुम्हें अभी बताया ना मेरा माइंड फक हुआ उनसे। मैं ऐसा होता है कि मुझे नाइटमेयर्स आए हैं, मैं नहीं सो पाया हूँ कुछ रात को, दैट्स ओके। बट जो ये चीज़ देखी है ना मैंने भाई, ये ना नाइटमेयर आया ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सो नहीं पाया, बट ये देख के जो मेरा मूड ख़राब हुआ है, मतलब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि इसमें क्या है। मैं नहीं समझा सकता ना, मैं समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है देखने की और बहुत ज़्यादा तुम्हारे अंदर वो है कि भाई नहीं मुझे देखना ही है तो भाई जाओ और सर्च करो, बट प्लीज़ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये समझाऊं। और मैं जानता हूँ जब ये तुम देख के आओगे तुम भी नहीं समझा पाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है। मतलब ये वो चीज़ है कि मान लो अगर मेरे पास पावर हो ना कि मैं अपने माइंड से कोई एक चीज़ भुला सकूं, तो मैं अपनी एक्स को नहीं भुलवाऊंगा, मैं इस चीज़ को भुलवाऊंगा। तो तुम खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा क्रीपी है। तो या आज के लिए यही था भाई 10 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई। आई नो ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं थी, एंडिंग की 3-4 चीज़ें कुछ थी जो कि बहुत एक्सट्रीम थी, बट हाँ मैंने अभी थोड़ा नॉर्मल ही रखा है। मैं नहीं चाहता कि आते ही भैया तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूं कि तुम फिर मेरे चैनल को ही विजिट ना करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मुझे बताना, हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें लाएंगे। सो या दैट्स इट। और या अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाना, एंड दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर।